नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज़। फिलहाल मौजूद हूं हिसार के जुहार नगर के अंदर, जहां पर सबसे पहले एक खंबे के दर्शन आपको करवाना चाहूंगी। खंबा शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मगर टूटे फूटे तार, आधे कटे हुए तार जो है आपको ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। यहां से जब गुजरे थे तो इन लोगों ने शिकायत इस बात की है कि अब तक यहाँ सिर्फ इसी खंबे की वजह से दो गायों की मौत हो चुकी है। जी सर, आपने अभी मुझे बताया है कि दो गायों की मौत हो चुकी है, कब की बात है? ये कोई 5-6 मिनट पहले की बात है जी। जी, यहाँ गए दो गाय, पहले एक आई, उसके बाद वो उसको करंट लग गया, फिर दूसरी गाय आ गई, उसकी हाथ लगाते दूसरी वो भी डेथ हो गई। दोनों दो डेड हो गई थी। ऊपर से इन्होंने तार छोड़ रखी है जी, सारी नंगी, और उन नंगी तारों के साथ टच होने के बावजूद उसमें करंट आ जाता है। पोल में करंट आने से बच्चे पानी में भी करंट आता है और पोल में भी करंट आ जाता है जी। तो ये कोई समाधान नहीं कर रहे। अच्छा, आबे बारिश, यहाँ पर बारिश में क्या पानी भरता है क्या? पानी भर जाता है, सारा मेन होल ये सीवर सारे डेड हैं, उसके बाद सारा गली में पानी भर जाता है। पानी भरने के बावजूद जो है ना, जो पानी भरने के बाद खंबे में करंट आता है, खंबे में करंट आ जाता है जी। तो फिर सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जानलेवा मामला है। बिल्कुल है जी, जानलेवा तो ये कर तो नहीं रही जी, हम क्या करें, काफी बार कह चुके हैं, ये करते नहीं, कार्रवाई नहीं। बिजली विभाग में आपने शिकायत की? बिल्कुल की जी। तो उन्होंने फिर क्या आपको जवाब क्या वो दिया? कहते हैं जी कर दें जी, कर दें जी, एक बार देख के चले जाते हैं जी, बोला ये कोई बात नहीं, बोला सभी खंभों पे हैं, ये है वो है, ये कह के चले जाते हैं, करते हैं। बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूंगी एक बार फिर से तस्वीरें इसी खंभे की, और ये हिसार शहर का वो इलाका है जिसे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा पब्लिक जो है रहती है। और इसके सामने ही दूसरे खंभे पर भी नजर डलवाना चाहूंगी, जहाँ पर ठीक एक ही जगह पर दो खंभे लगाए गए हैं और उनमें से एक खंभा जो है गिरने को है, टेढ़ा हो चुका है, किसी भी समय जो है गिर सकता है, मगर फिर भी बिजली विभाग की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अगर कोई आम इंसान बिल भरने से एक बार के लिए मना कर देता है, एक बार से डिले कर देता है, तो फाइन उससे जरूर मांग लिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे उससे जरूर मांग लिए जाते हैं। भरपाई करने में प्रशासन सरकार हमेशा आगे रहती है, मगर अगर बात करें सुविधाओं की, तो सुविधाओं के नाम पर क्या हाल है हिंदुस्तान के अंदर, ये आप तस्वीरें सीधे कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया के माध्यम से जो है लोग दिखाने को मजबूर हैं। भीड़ भाड़ वाला ये इलाका हिसार शहर के सबसे ज्यादा भीड़ वाले इलाके के अंदर इस तरीके का हाल है खंभों पर, और साथ ही जिस तरीके से इन बुजुर्ग ने बताया है कि पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है, तो यहाँ तक जो है इस खंभे के अंदर पानी भर जाता है और करंट भी आ जाता है, और बारिश में कोई भी साधन यहाँ से गुजर सकता है, बच्चा यहाँ से गुजर सकता है, किसी की भी जान पर बात बन सकती है, मगर प्रशासन को इससे कोई भी मतलब नहीं है। बहुत ही नागवारा जो है ये प्रशासन का हाल फिलहाल हिसार के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार शिकायतें जो हैं निकलती हुई नजर आ रही हैं, मगर फिर भी कोई भी कार्यवाही ऐसे लोगों पर नहीं हो रही है। मुद्दे बार बार हिसार के उठाती रहूंगी, दिखाती रहूंगी कि कौन सी जगह पर क्या दिक्कत है। जी सर, कुछ बोल रहे थे आपको, मैंने कल भी मिला था, मैं आपको, आप जो उसकी कवरेज के लिए गए हुए थे, आप महिला किसान दिवस के लिए, मैं वहीं पर था, लाल बहादुर खोवाल साहब के साथ ही था जी। धन्यवाद। और मैं कल से ही आपको, कल से नहीं, मैंने आपको पहले भी देखा है कि आप हर जगह कवर करते हैं और जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको आप उठाते हैं। बाकी अब आप यहाँ पहुँचे, हमारे मोहल्ले में पहुँचे हैं, तो हमें लगता है कि आपके इंटरवेंट से अब समस्याओं का हल हो जाना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं। बाकी इन्होंने सबने आपको बताया है कि सीवर की, पानी की, सभी लोग बीमार हुए पड़े हैं यहाँ, सभी को उल्टी दस्त लगी हुई है। बिल्कुल, सभी मतलब के बड़े परेशान हैं और कोई शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है। और ये जो आप खंभे की जो कवरेज कर रहे हैं, ये इनके तारों की जो है, इसके बारे में तो हमारे इन लोगों ने काफी टाइम से इन्होंने वो शिकायतें वगैरह दी हुई, कोई सुनवाई नहीं है, आते हैं अपनी जस्टिफाई लिपा पोती करके चले जाते हैं। सर, ऐसे प्रशासन का मुझे ये बताइए, ऐसे प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जब ये लोग बिल भरने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं तो इनसे जुर्माना तो झट से वसूल लिया जाता है, मगर सर्विसेज के नाम पर आप खंभे हाल देख लें तो क्या कहेंगे ऐसे प्रशासन के लिए? ये प्रशासन का देखा जाए तो बिल्कुल ही मतलब के एक होना चाहिए कि भाई आप कोई शिकायत करता है तो इमीडिएटली उसका रिस्पांस आना चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं आता है, बल्कि बार बार शिकायतें करते रहते हैं, तो उस चीज को टाल मटोल कर रवैया अपनाते हैं। इसके बारे में जो ये वायर्स के बारे में जो आप जाल जंजाल देख रहे हो, ये जाल नहीं, ये वायर नहीं है, ये वायर का जंजाल है। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप देख रहे हैं लगातार, मतलब के यहाँ पर इतने सारे हादसे भी होते रहते हैं इनकी वजह से,
और इनकी सुनवाई के लिए जब मोहल्ले की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन गया है डिपार्टमेंट को, तो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आके जस्टिफाइड यूं कर रहे थे कि जी अगर हमने वो केबल डाल दी, वो एक कोई मोटी केबल होती है सिंगल वाली, तो बोले लोड नहीं ले पाएगी, तो फिर आप इसका वो क्यों कर रहे हो, फिर इसका इतना ज़्यादा अनवांटेड एक्सपेंस क्यों कर रहे हो इन चीज़ों का। जगह जगह तो हम देख रहे हैं कि जी आपने मोटी केबल लगा रखी है, ताकि मतलब कि उसके अंदर एक तो भाई बिजली की चोरी भी ना हो और दूसरा उसकी लोड भी पूरा मिले और लोगों की बिजली की समस्याएं दूर हो। आप उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं, बोले जी ये केबल का बजट नहीं है, पहली बात तो बजट है तो जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम गिना रहे हैं, तो फिर डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं, हमें समझ से परे बात है। बिल्कुल, समस्या गिनवाने के लिए तो आम जनता है, क्योंकि समस्या से जूझ रही है। डिपार्टमेंट का काम है समस्या का समाधान गिनाना, ना कि समस्या के बदले समस्या को बताना। मगर यही हाल है जनाब हिंदुस्तान के सरकारी दफ्तरों का। बार बार आवाज उठाती हूँ, हर बार आवाज उठाती रहूंगी और इस मुद्दे पर भी जरूर आगे जानकारी लूंगी। जो इसका रिजल्ट निकलता है वो भी आपको जरूर बताऊंगी। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी ब्रेक न्यूज के साथ। नमस्कार।